द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। कवर स्टोरी में हम अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं। नवी मुंबई में अभी कुछ हाल के तीन चार पाँच छः दिनों में या लास्ट वन वीक में आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेज आए हैं। नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया। इससे पहले भी ट्रांसफ़र हुआ था लेकिन वो फिर रुक गए थे। नवी मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं। आज हम इस मुद्दे बात करेंगे कि कोरोना नवी मुंबई में जो केस बढ़ रहे हैं, स्पेशली नेरूल और कुछ ऐसे दो तीन एरिया हैं जहाँ पर केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कमिश्नर को क्या ट्रांसफ़र करने से चेंज करने से क्या रुक जाएगी। इसके लिए तेज तरार जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी नवी मुंबई विजय घाटे साहब हैं, जिनकी बात हमेशा सुनते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो केस बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या। विजय घाटे साहब, आप नमस्कार। सर, अभी हाल के दिनों में नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ, आपको लगता है कि ट्रांसफ़र करने से जो कोरोना केस जो बढ़ रहे हैं वो कम हो जाएगा? देखिए, आप ताश अगर खेलते रहेंगे तो आप एक समझिए कि आप कोई भी गेम की प्ले कीजिए या कैसे भी कीजिए, ताश में 52 पत्ते ही होते हैं, 52 पत्तों के साथ ही खेलना होता है। महाराष्ट्र में भी जितने IAS ऑफिसर्स हैं वो IAS ऑफिसर्स से एडिशन नए IAS ऑफिसर नहीं आ सकते, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। तो जो IAS ऑफिसर अपना ड्यूटी कर रहा है उसको सपोर्ट करके उनसे वो अपना काम करने का तरीका सरकार में लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काम कर रही है, महाविकास आघाड़ी काम कर रही है, तो ये सिर्फ ये है कि फेस सेविंग जिसको कहते हैं ना, कि भाई ब्लेम गेम होता है कि सरकार तो ठीक है, ये IAS ऑफिसर ठीक नहीं, सरकार तो ठीक है, पालक मंत्री ठीक है, वो IAS ऑफिसर ठीक नहीं, इस तरीके की जो प्रवृत्ति से काम किया जा रहा है ये प्रवृत्ति मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन आज के तारीख में एक राजनीतिक पक्ष का पदाधिकारी होने के वजह से मेरा अपना हमारे नेतागण हमको कहते हैं कि भाई ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये वक्त सिर्फ समाज सेवा का है, लोगों को आखिरी आदमी तक पहुंच के उनको कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश करना है करके आज हम लोग उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो एक विपक्ष की भी भूमिका होती है, आपको लगता है कि नवी मुंबई में जो भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में है, क्या आपको लगता है कि आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? अभी हम लोग समाज उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं, राजनीति बिल्कुल नहीं लेके आ रहे। हमारे यहाँ 2 MLA है और अभी एक्स कॉरपोरेटर्स हमारे यहाँ है, वो सारे के सारे टीम 111 वार्ड में झोंक के काम कर रहे हैं, 24/7 अवेलेबल है। और आप कभी भी कोशिश किसी को भी पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के और कुछ एक्का दुक्का बाकी के पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के कोई भी बाकी की पार्टियाँ यहाँ कार्यरत नहीं है, उनकी अपनी कुछ समस्याएं होगी, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये समय सिर्फ लोगों को सेवा देना है इस विषय में, और बाकी के पार्टी के लोग भी हमारे दोनों नेताओं के संपर्क में है, उनको हमने कभी पूछा नहीं कि भाई फलाना पार्टी का है या नई पार्टी का है, हमारे पार्टी का ऐसा पूछा नहीं है, जिसको हेल्प चाहिए उसको हम लोग हेल्प दे रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जो NCP के अध्यक्ष हैं अशोक गावड़े साहब, वो भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के नाम पर राजनीति कर रही है, आपको लगता है कि आप सेवा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन का डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जो फेल हो चुका है। दूसरा बात, कमिश्नर का ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं, वो तो सरकार के अधिकार में है। तीसरा बात, गणपति के बारे में रेगुलेशन है वो भारतीय जनता पार्टी डिसीजन नहीं ले रही है, वही डिसीजन ले रहे हैं। चौथा बात, कॉरपोरेशन अभी प्रशासक के हाथ में है, वहाँ पे कोई कॉरपोरेटर वगैरह ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो जो भी निर्णय हो रहे हैं, कृष्णा लैब हो, आपका कोविड सेंटर का हो, परसों बलात्कार हुआ हो, ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ है इसके अंदर? तो अननेसेसरी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है ये बोलना, यानी बच्चों के जैसा मुझे लगता है। और इतने मैं अशोक गावड़े जी को एक अच्छा नेता के तौर पर मैं देखता हूँ, उनको विधानसभा भी उन्होंने लड़ा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे बचपने वाली बातें करना अपेक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो नवी मुंबई में जो कोरोना केस अभी जो बढ़े या नेरुल में जो केस बढ़ रहे हैं, तो यदि मैं राजनीति की बात ना करें तो आपको यदि पर्सनली क्या लगता है कि ये कारण क्या है कि इतना केस क्यों बढ़ रहे हैं? अभी ये केस क्यों बढ़ रहे हैं इसका स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा एक सब्जेक्ट है ये। अभी महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना,
गोवा, थोड़ा आगे जाएंगे तो कर्नाटका। यहाँ पे अगर पैटर्न ले लेंगे तो जितने लॉकडाउन महाराष्ट्र में चल रहे उसका 25% भी लॉकडाउन ये सारे स्टेट में नहीं चल रहे। अब अगर फिगर्स अगर आप कंपेयर कर लो बाकी के स्टेट से महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र एक नंबर पे चल रहा है लेकिन बाकी के नंबर्स कम कम होते जा रहे हैं। तो लॉकडाउन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये फिगर्स के ऊपर आपको 100% एस्टैब्लिश फैक्ट है। अब कल आदरणीय आयुक्त जी के साथ मेरी बात हो गई तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लॉकडाउन करने के बजाय आप कंटेनमेंट क्लस्टर कर लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देके मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। अभी समझो एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर तीन विंग है, ए बी सी, तीन विंग है और एक चोर घुस गया बिल्डिंग के अंदर। तो आप तीनों विंग के फ्लैट चेक करने के बजाय आपने अगर आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल चोर कहाँ पे है, तो आपको मालूम पड़ा ए विंग में चोर है, तो आपका जो भी लिमिटेड मैन पावर होगा, सोर्स रिसोर्सेज होगा, वो ए विंग पे कॉन्सेंट्रेट करके बी और सी छोड़ दीजिए ना, वहाँ पे चोर है ही नहीं, 100% चोर नहीं है, फिर वहाँ के फ्लैट आप चेक करना शुरू कर दीजिए। सेम थिंग लॉकडाउन करके आपने क्या किया है, पूरा सोसाइटी को ही पूरा धुंडा लगाया। एक तो मैन पावर कम, रिसोर्सेज कम, टेस्टिंग किट्स कम और ब्लेम गेम का तो चल रहा है। उसके बजाय आप अगर कंटेनमेंट क्लस्टर करेंगे, जैसे कंटेनमेंट क्लस्टर यानी क्या है कि आपने एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया, एक एग्जांपल के तौर पे नेरुल में सेक्टर 20 शिरोना रेगुलर पेशेंट्स है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी में कंटेनमेंट क्लस्टर करके है। अब वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अगल बगल के 30 घर, अगर डेंस पॉपुलेशन होगा तो 30 घर और रिलीज पॉपुलेशन अगर होगा तो 60 हाउसेस, ये आपने लॉक करने हैं। ये लॉक करके वहाँ पे प्रादुर्भाव हर एक आदमी का टेस्ट लेना है। अभी यह 17 लाख का पॉपुलेशन का नवी मुंबई है, समझो आपके पास 5000 किट्स अवेलेबल हो गए टेस्ट के लिए, तो 5000 कहाँ पे यूटिलाइज करना है ये अगर मालूम नहीं होगा तो आप इन जनरल करते बैठेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ करते बैठेंगे। उसके बजाय ये स्पॉट्स जिसको डार्क स्पॉट्स कहते हैं कंटेनमेंट क्लस्टर के लिए, तो वो स्पॉट्स के ऊपर 5000 अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको कंटेनमेंट क्लस्टर से, मुझे लगता है स्पॉट अरेस्ट जिसको कहते हैं कोरोना का, कि भाई उसी जगह पे जाके सील कर देना है कोरोना को ताकि कोरोना बढ़े नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ एक जनरल आइडिया करने के लिए। अगर मैं शिप में था, जॉब करता था, तो हम लोग को बताया जाता था अगर क्रैक आना शुरू हो गया कहीं तो क्रैक अरेस्टर होता है। क्रैक अरेस्ट कैसे करते हैं, क्रैक के दोनों एंड पे छेद कर देते हैं तो वो क्रैक बढ़ती नहीं है। सेम फॉर्मेट आप क्लस्टर के लिए, कंटेनमेंट क्लस्टर करके ये कोरोना का नंबर्स कम कर सकते हो और आपका एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सकता है। आज के तारीख में लॉकडाउन में क्या चल रहा है, लॉकडाउन में कहाँ पेशेंट्स हैं वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को भी मालूम नहीं है, डेली फिगर्स आते जा रही है, लेकिन डेली फिगर्स में आपको स्पॉट्स भी आ रहे हैं सामने, वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने और अरेस्ट करना है। तो आप जो आप लोगों का कल मीटिंग था, आपने भी सुझाव दिया, तो जो नए आयुक्त अभी आए हुए हैं अभिजीत भंकर साहब, तो उनका क्या बोलना है? देखिए एक उनका जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच मुझे बहुत पॉजिटिव अप्रोच लगा। जनरली क्या होता है कि कुछ आदमी लोगों का एक होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसी हिसाब से वो मैं करेक्ट सोच रहा हूँ, ये उनका रहता है, और एक दूसरा एटीट्यूड होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसके अंदर से मैं पॉजिटिव ले लूँ और करेक्शन कर लूँ। तो मुझे लग रहा है अभी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो अपना नोट्स वगैरह सब करके ले लिया उन्होंने, और हो सकता है आगे वो चेंजेस भी करेंगे, क्योंकि 19 तारीख को जो परिस्थिति नवी मुंबई में है, आज व्यापार बंद है, सब कुछ बंद है, सब ठप पड़ा हुआ है, और एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से अभी कल ही मैंने न्यूज़ एक देखा, एक बुक सेल करने वाला लड़का चोरी में पकड़ा गया। ये इंडिकेट करता है कि समाज की मानसिकता क्या हो रही है, समाज के प्रॉब्लम क्या है। लिटमस तो 19 तारीख का लॉकडाउन का निर्णय भी उनके लिए लिटमस टेस्ट होगा, ये वो खुद जानते हैं। तो अभी लेकिन उनको भी रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार जो आदेश देगी वो उनको फॉलो करना है। अब वो चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो, लेकिन जो भी है वो आदेश लेके अपने हिसाब से सिटी को सिक्योर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो प्रयत्नशील रहेंगे और उनके प्रयत्न में पूरा नवी मुंबई उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार होगा।